Hello students, in this lecture we have discussed the fragmentation of alcohol. In previous lectures we have discussed about the fragmentation of alkane, alkene and alkynes. Now in this lecture we are discussed with the fragmentation of alcohol. Now there are some important feature of the mass spectra of the alcohols. Okay, number first, the molecular ion peak of primary and secondary alcohol is usually of low abundance. It is not detected in tertiary alcohol. Means the molecular ion peak of primary and secondary alcohol, जो primary and secondary alcohol का जो molecular ion peak रहता है और उसे हम parent ion peak कहते हैं, उसका जो relative abundance रहता है वो कैसे रहता है, low abundance. Okay, and it is not detected in a tertiary. देखो secondary और primary और secondary का जो relative abundance रहता है वो हम detect कर सकते हैं, बट जो टर्शियरी अल्कोहल रहता है उनका जो अबेंडेंस है और वो जो रहता है उसका पीक हम डिटेक्ट नहीं कर पाते. नंबर टू, द पैरेंट आयन पीक इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन एटम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल. जो ऑक्सीजन एटम रहता है, ठीक है, द पेरेंट आयन पीक इज फॉर्म्ड. पेरेंट आयन पीक कैसे फॉर्म होता है, जो ऑक्सीजन एटम का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है उसमें से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाने के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में पेरेंट आयन पीक फॉर्म होता है. देखो उसमें क्या है, जो ऑक्सीजन एटम रहता है, ओके, अल्कोहल बोलेंगे तो उसमें OH रहेगा, OH में जो क्या रहेगा, वन OH में से O में से क्या होगा, जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा प्राइमरी ऑन सेकेंडरी अल्कोहल में. वो कब कहाँ पे होगा, इन प्राइमरी ऑन सेकेंडरी अल्कोहल में होगा, तब क्या बनेगा, हमें पेरेंट आयन मिलेगा. नाउ थर्ड पॉइंट इज द नंबर ऑफ फ्रैगमेंटेशन मोड इन अल्कोहल डिपेंड ऑन द फैक्ट वेदर इट इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी. मतलब जिस अल्कोहल का हमें फ्रैगमेंटेशन करना है, पहले वो हमें देखना पड़ेगा कि वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट फ्रैगमेंटेशन मोड इज डिसाइड. ओके, डिसाइडेड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फ्रैगमेंटेशन मोड ऑफ कार्बन एटम बॉन्ड एडजेसेंट टू द ऑक्सीजन एटम और अल्फा क्लीवेज इज टू प्रीफर फ्रैगमेंटेशन मोड्स. मतलब इसमें क्या कहा है, वो ही जैसे ऊपर का जो पॉइंट था जिसमें हमने बोला था कि सेकेंडरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल है, ऑन द बेस ऑफ हम देखेंगे कि यदि प्राइमरी अल्कोहल है तो कौन सा क्लीवेज करना है या कैसे फ्रैगमेंटेशन करना है, सेकेंडरी में कैसे करना है, टर्शरी में कैसे है, वो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एडजेसेंट टू द ऑक्सीजन एटम. मतलब ऑक्सीजन एटम के बाजू वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा फ्रैगमेंटेशन मोड करने वाले हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द सिग्नल एट एम्पाजिट इज इक्वल टू 31. मीन्स जिस एम्पाजिट, जिस सिग्नल पे एम्पाजिट वैल्यू कितनी मिलेंगी, 31 मिलेंगी, अपीयर्स इन अ लार्ज अबंडेंस इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ द मिथेनॉल एंड अदर एलिफेटिक प्राइमरी अल्कोहल. दिस सिग्नल करस्पॉन्डेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन and is formed by the cleavage of carbon hydrogen bond in methanol. इसमें क्या कहा है, देखो the signal at emphasis is equal to 31 जो emphasis signal है appears in a large abundance in the mass spectrum of methanol. एक तो वो किसमें मिलेगा, methanol में मिलेगा, ठीक है, एंड अदर एलिफेटिक प्राइमरी अल्कोहल. एक तो वो मिथेनॉल में मिलेगा या अदर प्राइमरी अल्कोहल है उसमें मिलेगा, कौन सा सिग्नल मिलेगा, एम्पाजेट इज इक्वल टू 31. ओके, नाउ दिस
signal corresponding to the formation of oxonium ion CH2 double bond OH positive and is formed by the cleavage of कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन मिथेनॉल। देखो वो सिग्नल कहाँ पे मिलेगा करस्पॉन्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीनियम आयन CH2 डबल बॉन्ड OH, ये ऑक्सीनियम आयन फॉर्म होगा कैसे, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो मिथेनॉल में है उसका क्लीवेज करके। ओके, जैसे हम एग्जांपल देखेंगे तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH2 बॉन्ड OH, यहाँ पे एक बॉन्ड NH, CH3 है सपोज, तो CH3 को इंस्टेड ऑफ CH3 हम ऐसे लिखने के बजाय यहाँ पे CH2 और बॉन्ड और H लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें से क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड हमने यहाँ पे शिफ्ट किया और ये हाइड्रोजन क्या हो गया, फिर ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ओके, दिस हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड एंड वी विल गेट CH2। नाउ द सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू द डबल बॉन्ड। ओके, देन ओ पॉजिटिव प्लस ये जो हाइड्रोजन एटम था वो यहाँ पे रिमूव हो गया है। ठीक है, इस तरह से इसका क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एम्पाइसिट वैल्यू ऑफ दिस CH2OH। नाउ हाउ मेनी कार्बन एटम इज देयर, ओनली वन कार्बन एटम, दैट मीन्स 1 × 12 इज इक्वल टू 12। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम, ओनली वन ऑक्सीजन एटम, 1 × व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज द 16 इज इक्वल टू 16। एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम, देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम, सो H3। ओके, सो 1 × 3 इज इक्वल टू 3, सो 9, 11, 12, नाउ 10, 11, ओके 31। इसका हम यदि एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 31। सो द एम्पाइसिट वैल्यू ऑफ दिस बेस पीक इज इक्वल टू 31। सो इन दिस पॉइंट हमने क्या कहा था कि जनरली किसमें, मास स्पेक्ट्रम ऑफ मिथेनॉल में हमें अब एक सिग्नल मिलेगा, लार्ज अबंडेंस मिलेगा, वो कौन से पॉइंट में मिलेगा, 31 एम्पाइसिट वैल्यू पे मिलेगा। ओके, और अदर एलिफेटिक और प्राइमरी अल्कोहल में भी हमें एम्पाइसिट वैल्यू 31 मिलेंगी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इस एग्जांपल में क्या है, CH2 बॉन्ड OH, ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसमें देखो सिंपली क्या किया है, यहाँ का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट किया, मतलब यहाँ से क्या होगा, क्लीवेज होगा। ठीक है, यहाँ से क्लीवेज होने के बाद क्या निकल आएगा, ये RCH2 एज अ फ्री रेडिकल निकलेगा और फिर क्या मिलेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द डबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द बॉन्ड। ओके, और ये OH एंड द फ्री रेडिकल यहाँ पे वो निकल गया और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कटायन मिलेगा। सो ये जो फ्रैगमेंट आयन मिला है, जो उसकी यदि हम एम्बाइजेट वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी आएंगी, हमें 31 आएंगी। एंड 31 इज द बेस पीक इन द केस ऑफ मिथेनॉल एंड द एलिफेटिक और द प्राइमरी अल्कोहल। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट में क्या कर रहे हैं, द प्राइमरी अल्कोहल शोज M+18 पिक्स करस्पॉन्डिंग टू द लॉस ऑफ H2 एटम। देखो यदि अल्कोहल है, जैसे हमने अल्केन में बताया था कि यदि उसमें एम्बाइजेट वैल्यू 43 और 57 मिलती है तो हम कह सकते हैं कि उसमें क्या है, वो बेस पिक मिलते हैं तो वो क्या है, अल्केन है। उसी तरह यदि यहाँ पे एम्बाइजेट वैल्यू 31 होंगी, ओके, और मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया है और उसमें एम्बाइजेट वैल्यू 31 होंगी या 18 होंगी, तो हम कह सकते हैं या हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें 31 या 18 वगैरह रहा तो हम कह सकते हैं कि वो कौन सा है, वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। कैसे, देखो जैसे OH है,
ये स्ट्रक्चर है अल्कोहल का, उसमें से हमने H2O मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, तो H2O देखो H2O, सो H2O में से हम इसकी एम्बेसिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यदि H2O की, तो O1O, ओके, सो 1 × 16 इज इक्वल टू 16 एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम इज देयर 2, सो 1 × 2 इज इक्वल टू 2, सो 6 + 2 = 8 एंड 1 मीन्स 18 एम्बेसिड वैल्यू इज ओनली बिकॉज ऑफ द H2O molecule or the water molecule. Because of the loss of the water molecule, we will get the 18 number. Okay. So, यदि question में 18 ambassador value दिखी, तो हम कह सकते हैं या हम predict कर सकते हैं कि वो किसकी वजह से है, वो है alcohol की वजह से है, जिसमें क्या है loss of water molecule हुआ है. Okay. Now the next point. A primary alcohol having a chain of 4 or more carbon atoms shows a peak which corresponds to M+. M+ means parent ion or the molecular ion 18CnH2n. It can shows as follows. मतलब primary alcohol में एक तो चार या चार में से ज़्यादा ही carbon atom हो सकते हैं और वो जो है वो corresponding to the चार में से ज़्यादा यदि कार्बन एटम रहेंगे तो वो हम पेरेंट आयन की तौर पे उसको हम डिसाइड कर सकेंगे और उसका जो है वो 18 मीन्स ओनली लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज द CnH2n. ये क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है. इट कैन आल्सो शो एज द फॉल्स. वो कैसे है वो देखें देखेंगे. देखो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे CO है, यहाँ पे CH 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 CH3, ओके, और यहाँ पे CH, ओके, सो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो ऐसे निकल जाएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, मतलब क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे निकल गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम है, एक बॉन्ड यहाँ से निकल गया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन एटम आएगा, ओके, ये निकल गया मतलब ये हाइड्रोजन आएगा और ये ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ दिस बॉन्ड. प्लस नाउ देखो क्या होगा, ये तो गया, फिर ये गया तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर मिला जिसमें CH3 CH CH CH3 है, ठीक है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो H2O प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम उसको, ठीक है, या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये जो है वो यहाँ पे शिफ्टिंग की वजह से हुआ, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ पे क्या मिला, डबल बॉन्ड मिला और ये क्या है, कटायन है. नाउ दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल हैविंग द चेन ऑफ 4 और मोर कार्बन एटम, मतलब ऐसे अल्कोहल जिसमें तीन चार या चार में से ज़्यादा अल्कोहल रहते हैं और उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम कैसे रिमूव करेंगे, ये इस मैकेनिज्म में बताया है. नाउ दिस इज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द अल्कोहल. सो वेन एवर क्वेश्चन इज कम्स इन एग्जामिनेशन, सो ये ध्यान में रखो, वन थिंग इज दैट द एम्बेसिड वैल्यू इज इक्वल टू 31. सपोज द एम्बेसिड वैल्यू 31 आई तो वो क्या रहेगा, 31 इज द बेस पिक इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द अल्कोहल एंड H2O हैविंग द एम्बेसिड वैल्यू इज इक्वल टू 18 मीन्स H2O मॉलिक्यूल यदि लॉस करेंगे तो उसमें क्या आएगा, वो किस में आएगा, अल्कोहल में आएगा. सो यदि क्वेश्चन रहा जिसमें एम्बेसिड वैल्यू दिए रहती और उसमें हमने स्ट्रक्चर फाइंड आउट करके उसका फ्रेगमेंटेशन करना है, तो ये दो चीजें हम अल्कोहल के बारे में ध्यान में रखेंगे. फ्रेगमेंटेशन ऑफ द अल्कोहल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो वेन एवर हम जब एग्जाम्पल्स लेंगे कैसे एग्जाम में आते हैं तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल और द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन अबाउट द अल्कोहल. नाउ कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, राइट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द 1 ब्यूटेनॉल विथ इट्स मास स्पेक्ट्रम.
ओके तो हम क्या करेंगे, पहले बिटेनॉल का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे। उसका स्ट्रक्चर हमको पता ही है, ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, क्योंकि उसमें आपको फ्रेगमेंटेशन भी पूछा है और मास स्पेक्ट्रम ड्रॉ भी करना है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल मीन्स हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर, 4 कार्बन एटम एंड OH ग्रुप इज अटैच। ओके, CH3, CH2, 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 OH। सो 2 lone pairs ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर। सो हम यहाँ पे अल्फा क्लीवेज करेंगे, तो यहाँ से ये ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से मग क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, इसकी पहले एम्बेसिड वैल्यू फाइंड आउट करना। कभी भी पेरेंट आयन की सबसे पहले और मॉलिकुलर आयन की एम्बेसिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करेंगे। फिर यहाँ पे यहाँ से फ्रेगमेंट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे किया यहाँ से क्लीवेज कर देंगे। ठीक है, तो क्या निकलेगा, CH3, CH, CH2। ओके, ये सॉरी, ये जो है यहाँ से किया है इन्होंने, मतलब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, इधर देखो ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड OH, मतलब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो क्या होगा, CH2 OH अलग मिल जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब जब ये वन है, यहाँ पे वन लिखती हूँ मैं, ये वन का क्लीवेज है, तो वन के क्लीवेज में ये किया, तो यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे CH2, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाने के बाद क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड OH मिलेगा। ये फर्स्ट पहला तरीका है। फिर हम क्या कर सकते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से बिना ब्रेक ना करते हुए ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करेंगे, मतलब ये 2 फ्रेगमेंटेशन है, यहाँ से ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे डालें तो क्या मिलेगा, CH3, CH, CH2 मिलेगा, और यहाँ का CH2 है, CH2 मतलब इन्होंने क्या किया है, ये CH2 को CH2 ऐसे ना लिखते हुए CH लिया है, और यहाँ पे ये CH लिखा है ये वाला। ठीक है, और इसको रीअरेंज किया है इस फॉर्म में, जैसे ये प्राइमरी है तो यहाँ पे कटाइन ये पोजीशन शिफ्ट किए हैं, CH3, CH, CH2। तो इसकी एम्बेसिड वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या आएंगी, 43 आएंगी, और यहाँ में CH2 डबल बॉन्ड OH की एम्बेसिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो कितनी आएंगी, 31 आएंगी। एंड ऑलवेज द 31 वैल्यू इन द अल्कोहल इज द बेस पिक। नाउ हम ऐसे हर अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। नाउ इन दिस एग्जाम्पल, यही सेम एग्जाम्पल है बट लिखने का तरीका अलग है, वो कैसे है देखो, यहाँ पे CH3 है, तो इंस्टेड ऑफ CH3 इन्होंने क्या किया है, CH2 और CH3 का एक H यहाँ पे लिखा है, CH2, 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 और OH यहाँ न लिखते हुए इन्होंने यहाँ पे लिखा है। ओके, और इसको इसमें क्या किया है, ये हाइड्रोजन है इसका, यहाँ पे ट्रांसफर किया, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसफर किया है, तो क्या हुआ देखो, CH2, 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 CH2। ठीक है, ये निकल गया, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर क्या होगा, ये निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल एज अ फ्री रेडिकल निकलेगा, और ये है जो CH2, 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 मतलब ये क्या है, ब्यूटेलिक रिंग हमें मिलेंगी। ठीक है, और ये जो M+14 इज द बेस पिक, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो M+ मतलब पेरेंट आयन पिक, मतलब एक M+ मीन्स पेरेंट आयन पिक यहाँ पे फॉर्म होगा, या इसको हम क्या बोलेंगे, बेस पिक बोलेंगे। ओके, नाउ ऐसे अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, हर एक मॉलिक्यूल से ब्रेक करके हम इसका फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, और डिफरेंट फ्रेगमेंट एम्बेसिड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ द मास स्पेक्ट्रम ऑफ द 1-butanol। सो हम ऑलवेज मास स्पेक्ट्रम हम एम्बेसिड वैल्यूज वर्सेज रिलेटिव अबंडेंस निकालते हैं, फिर यहाँ पे लिखने का 240, 60, 80 एंड 100, एंड यहाँ पे 2040। सो एक एक वैल्यू लेते जाने का और ये ग्राफ में पुटअप करते जाने का, जैसे यहाँ पे 31 क्या है, बेस पिक है, तो 31 जो बेस पिक है, तो बेस पिक मीन्स ऑलवेज 100% रिलेटिव अबंडेंस, तो वो किसके लाइन पे आ जाएगा, 100 के, तो यहाँ पे कितना आएगा, एम्बेसिड इज इक्वल टू 31, दैट इज बिकॉज ऑफ द CH2OH मॉलिक्यूल। देन अदर पॉइंट इसी तरह से हम इस ग्राफ में पुटअप करते जाएंगे और ग्राफ मास स्पेक्ट्रम निकालेंगे। दिस इज द सिंपल वे ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ 1-butanol, एंड दिस इज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ द
वन ब्यूटानॉल एंड दिस एंड इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, उसका फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा आपको और उसका फ्रेगमेंटेशन करके उसका मास स्पेक्ट्रम निकालना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द अल्कोहल. ओके, थैंक यू.